उर में आजम खान पर दर्ज हो रहे मुकदमों को लेकर सियासत अब काफी गर्म हो गई है। आज जिस प्रकार प्रशासन ने जो पूर्व सांसद हैं धर्मेंद्र यादव और मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एस टी हसन को रामपुर जाने से रोका, उसको लेकर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी रोष है। पुलिस ने उन्हें मुंडा पांडे स्थित टोल प्लाजा पर गिरफ्तार कर सभी कार्यकर्ताओं को पुलिस थाने में फिलहाल बैठा दिया है, जहां पर धरना प्रदर्शन करने के लिए समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता बैठ गए हैं। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह प्रशासन की तानाशाही है, उन्हें रामपुर नहीं जाने दिया जा रहा। रामपुर में आजम खान और उनके बेटे और उनके पूरे परिवार पर जिस तरीके से वहाँ का प्रशासन कार्रवाई कर रहा है वो बदले की कार्रवाई है, सुनियोजित कार्रवाई है। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रामपुर में परेशान किया है। आज अखिलेश यादव ने आह्वान किया था पूरे प्रदेश से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रामपुर पहुंचे, लेकिन रामपुर में धारा 144 के चलते प्रशासन ने किसी भी भारी नेता या कार्यकर्ता को रामपुर में नहीं घुसने दिया। फिलहाल रामपुर से लेकर मुरादाबाद और उसके आसपास के जिलों में आज समाजवादी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और ये सियासी ड्रामा कब तक चलेगा ये कह पाना मुश्किल है। फिलहाल इस पूरे सियासी ड्रामे ने पुलिस और प्रशासन को अलर्ट रहने पर मजबूर जरूर कर दिया है। उत्तर प्रदेश में तो देखने को मिल रही थी तानाशाही, लेकिन आज मुरादाबाद के पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने हमें रामपुर जाने से रोक रखा है। हमें एक घंटा से धूप में खड़ा कर रखा है और हम हर हाल में आजम खान साहब के ऊपर झूठे मुकदमे जब तक वापस नहीं लिए जाएंगे हम अपना प्रदर्शन बिल्कुल जारी रखेंगे। इस समय कहाँ रोका गया है? ये काशीपुर तराय पे हमें एक डेढ़ घंटे से बिल्कुल धूप में सुखा रहे हैं अधिकारी और पुलिस बल पूरा। वापस जा रहे हैं? जी वापस क्यों जाएंगे, हमारा मिशन है रामपुर जाना। ये कुछ लोग जो है वो रामपुर जाने का प्रयास कर रहे थे, वहाँ पर जो इन लोगों का कॉल है उसको शासन द्वारा अनुमति नहीं दी गई है, तो बिना अनुमति के जो ये प्रोग्राम हो रहा था उसके चलते रामपुर पुलिस प्रशासन द्वारा हमसे अनुरोध किया गया था कि जो भी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने आ रहे हैं, क्योंकि ये परमिशन नहीं है, अनऑथराइज्ड है, तो इसलिए इसमें किसी को भाग करने के लिए आने से रोका जाए। लगभग कितने कार्यकर्ता रहे होंगे जिनकी गिरफ्तारी के लिए रोका गया है? देखिए पुलिस फोर्स सुबह से अलग अलग पॉइंट्स पर लगी है, तो अलग अलग पॉइंट्स पर गिरफ्तारी हुई है। ये सब मैटर जो कोलेक्ट करके बताया जाएगा कि किस पॉइंट पर कितने कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है। इनकी गिरफ्तारी की गई है।